तो दोस्तों आपके लिए आज की लाइव स्ट्रीमिंग की हाइलाइट्स पेश है, जहां हमने बहुत सारे सवाल जवाब लिए लोगों के, मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश की। देखिए वीडियो को, अगर पसंद आए तो लाइक करके ही वीडियो को छोड़िएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स को बहुत ही केयरफुली रीड करता हूं, उसके ऊपर जरूर जरूर एक्शन लेने की कोशिश करता हूं। 16,900 का आज का सपोर्ट रहेगा मार्केट का, और बाजार की जो क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग हमारी थी 16,869। बाजार ने फिर से आज गैप अप ओपनिंग किया है, 17,045 के आसपास में ओपनिंग हुई है आज के बाजार के अंदर में, एज पर दी ऑप्शन चेन एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा चेंज होता रहता है। एज ऑफ नाउ इट इज़ लॉन्ग बिल्डअप विच इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो बहुत अच्छा सिनेरियो है, निचले स्तरों पे पुट राइटिंग की जा रही है, तो मोटा मोटा देखा जाए तो 17,000 के ऊपर अभी प्रेशर बना हुआ है, 17,000 रीटेस्ट हो सकता है, बट चांसेस आर लो। पुट राइटिंग इज हैपनिंग इन गुड लॉट, और यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो मज़ा आ जाएगा। अभी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इट इज़ अ लॉन्ग बिल्डअप गोइंग ऑन। पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रही है और बाजार 17,000 को सपोर्ट बनाया जा रहा है, तो 16,900 इज़ अ सपोर्ट एज ऑफ नाउ। तो अगर कोई ट्रेड आपको लेना भी है तो 17,000 के सपोर्ट के साथ में लेंगे, गुड, ठीक है। एवरेज करना चाहिए था 3,400 के आसपास में आपको, पर कोई बात नहीं, अगर आज की सिचुएशन को भी देखें, TCS की तो देख लेते हैं आज क्या होने वाला है। 3,600 पे आपने लिया है, आपने एक्चुअली टफ टाइम पे लिया था भाई, बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल TCS इज ट्रेडिंग अराउंड 3525, तो 3540 के ऊपर में तो भाव आ जाएगा आपका, बहुत बढ़िया वाला। गुड मॉर्निंग नेहा, 3540 के ऊपर में मच बेटर नेहा, 3540 के ऊपर में एक अच्छा खासा इसमें शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और ऑप्शन चेन क्या कहती है उसको भी देख लेते हैं। TCS बन गया सपोर्ट, TCS का भी बॉटम बन गया, 3400 रुपीज़ का, 3400 का बॉटम बन चुका है इसका। अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें एक 3540 का रेजिस्टेंस है, 3540 के ऊपर में ब्रेकआउट होगा इसका, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए 3540 के ऊपर में अगर चलता है तो। रिकॉर्डिंग देते हैं, HDFC अपने का 2420 की कॉल 4.03 रुपये पे ली है। ये सवाल आ गया भाई, ऐसे सवालों के मैं वेट करता हूँ अभी ना। चलो पहले HDFC बैंक का पोस्टमार्टम करते हैं। HDFC राइट, HDFC ओनली, HDFC की आपने 2420 की कॉल ली है, HDFC की 2420 की कॉल। अब इस पे एक गाना याद आता है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बताओ क्या सुलूक किया जाए आपके साथ। गाइस दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर लाइव सेशंस, आप सबको मालूम है ना, हम लोग सीखने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय कि ट्रेड करने पे। वेलकम नया, तो हमारा जो ट्रेड है, हमारे ब्रदर ने एक ट्रेड लिया है 2420 की कॉल, कितने पे, 4.30 रुपीज़ पे, तो ब्रेक इवन इज 2424.3, ये आपका ब्रेक इवन है भाई। अभी HDFC चल रहा है 2163 पे, कितना दूर है यार, क्या सोच के लिया, गब्बर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। आप भी बोलोगे सर क्या हो गया है, जब से दांत पे ऑपरेशन हुआ है ना, दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं है। और ऐसे सवाल अभी ना, सॉरी दे हर्ट मी मोर यार, मतलब डोंट टेक मी अदरवाइज गाइस। आप बोलोगे सर क्या सुबह से अपना क्लास की प्रमोशन कर रहा है, ये वो करके, मैं क्लास की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आप लोग गलत ट्रेड लेके लॉसेज में जितना नुकसान करते हो ना, अगर उतना पैसा अगर आप सीखने में लगा दो तो आपके नुकसान बंद हो जाएंगे, कि ध्यान रखना। सीखने की फीस बहुत कम होती है, मैं कभी नहीं कहता कि आपको मेरे पास ही आना है, मैं कहता हूँ आपको जिस पे ट्रस्ट है उस पे सीखो। आप लोगों के एनालिसिस देखो, लोगों के चैनल्स को वॉच करो, देखो वो कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या नहीं है, जिस पे दिल आए है ना, आपको लगे कि हाँ यहाँ से मैं सीख सकता हूँ, उस पे सीखो जाके, थोड़ा पैसा वहाँ खर्च कर दो, ठीक है। फीस इज इंपॉर्टेंट, कि फीस रीजनेबल होनी चाहिए, जो आपको लगे कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है, बट डोंट ट्रेड सच एरर ट्रेड्स यार, क्यों करते हो भाई, बाजार बहुत दूर है, इसमें क्या एडवाइस हूँ आपको, देयर इज नो एडवाइस भाई।
और वैसे भी चलो अगर आपको HDFC की हमने आपने ली हुई 2420 की कॉल, चलो ये अच्छी बात है। आपसे बात करके मुझे ये अच्छा लगा कि आपको ये पता है कि आपका ब्रेक इवन क्या है। ब्रेक इवन जब आपको मालूम है भाई, तो 2420 की कॉल क्यों लिया आपने, सस्ते के चक्कर में ना, सस्ते के चक्कर में। अब अगर आपको पंगा लेना ही है, पंगा ले ही लिया है, तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, है ना। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए 5 मिनट के चार्ट पे देखो, आप लेके बैठे हो 4 रुपये में, आपने 4 रुपये में जो लिया है, ये ना इस वाले पे अपने हथियार कम मिलते हैं, हथियार किधर मिलते हैं, ये हथियार, यस यहाँ पे इस स्टॉक को अगर देखो तो ये आपने लिया टॉप पे, ऑलमोस्ट टॉप पे आपने लिया है, तो जब तक इसके ऊपर चलेगा नहीं है, ब्रेकआउट नहीं आएगा, इसके ऊपर चलेगा तो आपका स्टॉक हो सकता है यहाँ से डबल भी बिक जाए, बट कब बिकेगा, जब वो 2400 से ऊपर चलेगा। 20 तारीख आज हो गई है, एक्सपायरी होने वाली है, बुधवार है आज, कल वीरवार है, कल की एक्सपायरी है। मिरेकल अगर बाजार में शॉर्ट कवरिंग आया तो कुछ भी हो सकता है, बट HDFC को 300 रुपये चलने के लिए बहुत बड़ी चाल चाहिए यार, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग चाहिए, विच इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना, तो भाई ये जो लो बनाया ना इसने, ये झटका दिया 1 रुपये 80 पैसे का, इनफैक्ट ये स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, पंगा मत लो यार, तुम्हें यार पुट ए स्टॉप लॉस बिलो 3 रुपीज। गलत ट्रेड में पैसा आ जाएगा तो आपका अगली बार पैसा और ज्यादा जाएगा, ध्यान रखना। क्या होता है, गलत ट्रेड में मूवमेंट वोलेटिलिटी की वजह से जब आप पैसा कमा लेते हैं ना, कि शॉर्ट कवरिंग आई पैसा आ गया, तो आपको लगता है कि मेरा ट्रेड बड़ा अच्छा था, बट नो, दैट वॉज द मनी यू अर्न बाय तुक्का। अब तुक्के से पैसा कमाएंगे तो भाई वो कभी भी जब जाएगा ना, वो आपका 100 रुपीज़ नहीं लेके जाएगा, आपने 100 रुपीज़ कमाए होंगे ना, वो 100 तो जाएंगे जाएंगे, वो एक्स्ट्रा आपकी जब से कम 500 रुपीज़ लेके जाएगा। यू लूज एटलीस्ट 5 टाइम ऑफ योर कैपिटल जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड में फंसने वाले हो। राम राम, राम राम। ए बी संजीव सर, नमस्कार सर। एयू बैंक, फोर्टी नाइनटी का कॉल लिया है, 30 रुपीज़, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लिया है सर, बट लेट मी चेक, आउट ऑफ मनी कॉल लिया है, पुट लिया है सर, कॉल लिया है, करेक्ट। वेट, एक थोड़ा सा करेक्शन जरूर कीजिए कि नेवर बाय आउट ऑफ द मनी कॉल सर, ये 1420 के नीचे वापस आएगा सर, यू कैन रीटेस्ट 1420, 1400 लेवल्स, ये लेवल दोबारा रीटेस्ट हो सकते हैं इसके। कोटक महिंद्रा बैंक, यस सर, कोटक महिंद्रा में सर मैं पोजिशन नहीं, बहुत पोजिशन कर रहा हूँ, 1693 चल रहा है फिलहाल, 93 94 सपोर्ट ले रहा था 1681 के आसपास में, 1681 का सपोर्ट अगर होल्ड हो गया तो ये एक आपको दे देगा सर, बट असली ब्रेकआउट इसका जो आएगा ना, वो आएगा 1720 के आसपास पे, 1720 के बाद ही इसका ब्रेकआउट होगा सर, इसके बाद तो फिर बड़ा ब्रेकआउट आएगा, कम से कम 1780 1800 तक के लिए स्टॉक निकल सकता है, 1720 के बाद 1681 को, 1680 के आसपास को होल्ड करें सर, 1700 1680 के स्टॉप लॉस के साथ भी इसको होल्ड करो, ये मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा। दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेकआउट भाई, 2310 के ऊपर में ब्रेकआउट हो सकता है हीरो मोटर कॉर्प का, अगर इफ इट स्टेज देयर, हीरो मोटर कॉर्प, तसल्ली से तसल्ली से, डेली चार्ट मैं भूल गया इसमें क्या होता है यार, देखो डेली चार्ट पे अभी इसका अप ट्रेंड चालू नहीं हुआ हीरो मोटर कॉर्प का, कोई बात नहीं, बट इंट्राडे में इसने एक बॉटम बना लिया है, डेली कैंडल तो जब मिलेगी ना, जब आपका बाजार क्लोज होगा तो शॉर्ट कवरिंग चालू है, अप ट्रेंड में स्टॉक, कोई टेंशन नहीं, होल्ड योर पोजीशंस 2310 के ऊपर में, और अच्छा बैकअप, एक ब्रेकआउट हो सकता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में एनालिसिस कैसे किया जाता है और कैसे बाज़ार को समझा जाए, और आपकी पोजीशंस अगर फंसी, अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं, मार्केट का व्यू लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिएगा 9:15 पर डेली लाइव, लाइव मार्केट में एनालिसिस, कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं, और रात को 9:15 पर डालेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट्स अगले दिन के लिए, कैसे निफ्टी परफॉर्म करेगी, बैंक निफ्टी कहाँ परफॉर्म करेगी, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कौन से लेवल्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड क्या है वो समझ में आना बहुत जरूरी है, ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो शायद हमारे हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मिलिए रात को 9:15
15 मिनट पे निफ्टी बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, और सुबह 9:15 मिनट पे लाइव मार्केट एनालिसिस में।